पुराने जमाने में यह भी सुना है कि हमने एक एक सुर की 10-10 घंटे रियाज किया है, लेकिन कैसे किया ये किसने नहीं बताया। गोलाई ने यह शब्द सुना है ना, गोलाई, गले में गोलाई चाहिए, ये शब्द सुना है आपने। और गोलाई कैसे निकालते हैं, पुराने जमाने में यह भी सुना है कि हमने एक एक सुर की 10-10 घंटे रियाज किया है, लेकिन कैसे किया ये किसने नहीं बताया। वो चीज मैं आज फिर से आपके लिए पेश कर रहा हूं, इसको बेसिक रियाज ही कहते हैं। इसके अलावा और इतना डीप में बेसिक नहीं है। बेसिक रियाज कौन सा है, पध पनी पसा परे पग पम पप, ये हो गया आरोह। इसको पध पनी पसा, ये औरोहात्मक आरोह, देखिए चढ़ तो रहे है, पध ये हो गया आरोह, फिर अवरोह हो गया, फिर आगे पपे, पनी पसा परे पग पम पप, पध पनी पसा परे, ये हो रहा आरोह, चढ़ रहे, आरोह का मतलब चढ़ना और अवरोह का मतलब उतरना। तो यहां पे क्या हो रहा है, पध ये हो गया आरोह, और फिर पनी जो पध के बाद में फिर प आ रहा है तो वो क्या हो गया, अवरोह हो गया, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उतर भी रहा है। इसके होते हैं 8 पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाफ सर्कल, आधा चंद्रा वाला, गले में एक ये तरीका तैयार होता है, शुरू के एक सुर से दूसरे सुर तक उसका एक झूला तैयार होता है, एक बेस तैयार होता है, वो बेस आपको लोच लाने के लिए गले में काम आता है। और लिखा है किताब में आवाज लोचदार होनी चाहिए, तो लोचदार आवाज कैसे बनाते हैं शुरू के साथ में, इसका आज मैं प्रैक्टिकल आपसे करवा लूंगा, ठीक है। तो ये शुरू है, ये लिया है सा, और मैं जैसा हरदम बोलता हूं उस हिसाब से पंचम से लेकर पंचम तक, 1 2 3 स्टार्ट। आप देखिए उसको महसूस कीजिए, देखिए प ध पनी पसा परे पग पम और प प। अब उल्टा इसका, प प पम पगा परे अब आप गौर से देखिए कि हंकार करने से आवाज कहां पे टच हो रही है, देखिए अगर मैं ओंकार किया रहता ये आ गया रहता तो आवाज कहां जा रही है, फिर से गौर कीजिए मध्यम पे, अगर इसको ओंकार से बोला जाता तो ये अच्छा नहीं लगता, सुर मिल तो जाता है पर मेल नहीं खाता, तो कैसे होना है, परे पसा पनी पदा प। अब आप देखिए ये जो नाक के नीचे से जो आवाज लग रही है हंकार वाली,
यही आपको सुरीला बनाएगी। नहीं तो आप अगर ओंकार, अच्छा प्रॉपर ओंकार कोई नहीं बताएगा, उसी को मालूम होना चाहिए वो तो प्रॉपरली। तो सुर यहाँ है, जैसे आपका अगर गांव इतना बड़ा है तो यहाँ से भी एंट्री करने के बाद में आप वो गांव में पहुँचते हो, यहाँ से भी एंट्री करने के बाद में वो गांव में पहुँचते हो, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट जो होता है उस बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, वहाँ तक उसका हिसाब होता है। अब जैसे मैं जलगांव में रहता हूँ तो इधर से गाड़ी आने के बाद मैं जलगांव में तो पहुँच जाता हूँ, पर प्रॉपर जलगांव का जहाँ जीरो दिखा है वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। वैसे ही सूर जो है उसको यहाँ से जो एंट्री होगी, अगर ओंकार करोगे तो वो नीचे यहाँ आएगा और हंकार करोगे तो वो ऊपर से आएगा। तो वो ऊपर से उतरना जिसको ड्रॉपिंग कहते हैं, तो ड्रॉपिंग ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा, ये तो नेचर के खिलाफ है ना कि ऐसा कहाँ उतर रहे, ऐसा तो चढ़ रहे हैं। तो जहाँ उतरना है, जहाँ स्टैंड होना है, जहाँ लैंड होना है, वो जगह ऐसी आती है। तो उसका देखिए फिर से बाबा, अच्छा ये भी गौर किया होगा आपने कि मैं जो जाता हूँ तो झूला भी लेके आता हूँ। तो क्या है इसका पॉइंट, ये है कि हम जो सुर के ऊपर न्यास करते हैं यानी खत्म करते हैं, उस सुर के वहाँ से जब फिर से दूसरा सुर लेना है, मतलब जो पंचम लेना है बेस वाला, वहाँ से फिर नीचे वाली अवरोही मींड आती है, फिर दूसरे सुर के बाद में फिर आरोही मींड आती है, फिर वहाँ से मध्यम पे न्यास होता है तो मध्यम से फिर पंचम लगता है, फिर गंधार पे न्यास होता है, फिर गंधार से पंचम लगता है। तो जो सुर हम जहाँ पे न्यास करते हैं, जहाँ छोड़ते हैं आवाज़, वहाँ से फिर से बेसिक उतरना पड़ेगा ही वहाँ पे, उसके सिवाय कहाँ से लगेगा। देखिए फिर से गौर से, पद यहाँ सुर छूटा हुआ है, फिर यहाँ से प यानी ध के साथ में प, फिर पनी यहाँ छूटा हुआ है, प फिर प सा प, देखिए प यानी सा प ये आ रहा है, रे प रे प ये रा यहाँ छूटा हुआ है, व मा व बा, इससे गाने में सहजता आएगी, सरलता आएगी, सौंदर्य बढ़ेगा, आवाज में लोच आएगी। अब उल्टा व व पंचम पे छूटा हुआ है, देखो अब वहां से पंचम पकड़ना है, व मा मध्यम पे छूटा है, प ग प रे प सा प नी प यह है प्रातः काल में रोज 10 मिनट 15 मिनट ये रियाज करना है। अब देखिए इसमें हर वक्त पंचम कितने बार लगा हुआ है, पध पनी पसा, इसमें जो बेस वाला पंचम मतलब मंद्र सप्तक का पंचम जो है वो 8 बार जाते हुए 8 बार आते हुए लगा, यानी 16 बार इसमें लगा हुआ है। ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 ऐसे इसके खाली पंचम के पलटे 8 तैयार होते हैं, जो कि मैंने प्रारंभिक में जो एपिसोड दिए थे उसमें डिटेल मैंने दिया है। आज आपको यहाँ डिटेल इसका एक पहला टुकड़ा जो है मैं वो डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खाली पध पानी पसा करते होंगे, लेकिन इसको कैसे चलना है, इसको गले में राउंड कैसे, देखो राउंड मैसेज करो, जोड़ दिया है। अब ये मैं विथ एनर्जी लेवल बोल रहा हूँ, आवाज तो है लेकिन आवाज के अंदर एक बोलने की इच्छा भी है, उत्साह भी है, आपको समझाने की इच्छा भी है, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके गाने में एनर्जी नहीं रही तो नेचर की कोई भी चीज ले लो, विदाउट एनर्जी कोई भी काम कोई भी चीज सक्सेस नहीं होगी। एनर्जी लेवल ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, गाना गा रहे हैं, शास्त्र गा रहे हैं, एनर्जी नहीं है तो सामने वाला क्यों आपको चाहेगा। और आपने अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले ने मुझे चाहना चाहिए, मेरा गाना अच्छा लगना चाहिए। आप शास्त्र तो प्योरली डाल रहे हो, लेकिन मैं अगर गाते टाइम मैं उसका आनंद खुद ना लूं
तो मैं आपको क्या आनंद दे सकता हूँ करके मुझे पहले खुद अपने ही रंग में रंगना पड़ेगा, उसके बाद में आप खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व होते जाएगा, क्योंकि आपको भी समझदारी होती है। पुराने जमाने में आपने लिखा हुआ देखा कि हमने एक एक सुर की दस दस दो दो पाँच पाँच घंटे रियाज किया, तो ये इस तरीके से एक सुर की मतलब कौन से सुर की, पंचम सुर की रियाज उन्होंने अलग अलग सुरों के साथ में अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगह से उसको पंचम को देख कर की है, सुर एक ही है उसको अलग अलग सुरों के साथ में देखा हुआ है, इसको बोलते एक सुर के साथ में दो दो तीन तीन घंटे। अच्छा ये भी है कि पद जो है वो पनी नहीं है, पनी जो है वो पसा नहीं है, यानी रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, बार बार सोच के अलग अलग तरीके से कैसे पंचम पर आया जाए, इस हिसाब से एक एक सुर की पुराने लोगों ने एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे रियाज की थी। इसमें दो तीन घंटे निकल ही जाते हैं, पहले स्लो स्पीड फिर फास्ट स्पीड में करते टाइम उसका आपके गले में वो चीज़ बना दे। जैसा पंचम का बनता है वैसा दैवत का बनता है, वैसा निषाद का बनता है, वैसा षड्ज का बनता है। तो सब सुर पंचम 64 बार, दैवत 64 बार, निषाद 64 बार, अगर अब ये एपिसोड मैं बनाते रहूँगा तो लाइफ टाइम ये एपिसोड ही चलते रहेंगे। आप करोगे कब? अब आपको भी कुछ चीज़ें सीखना है और सीख के खुद ब खुद करना है। जब तक खुद नहीं करोगे और डिपेंडेंट रहोगे तो हरदम डिपेंडेंट रहोगे लोगों पे। खुद उसके अंदर जाके देखिए कि अच्छा मैं एक पलटा आपको बता दिया है पंचम टू पंचम का, आपको उसके आगे का सोचना है।